सभी नॉट गोइंग फॉर के पर्पस लिए दिया था, मैंने नॉट गोइंग फॉर लगाया था पर वो स्वीकार ही नहीं हुआ था। वो बाकी जितनी भी मैंने सर प्रोसीडिंग्स देखी सब मेरे अगेंस्ट जा रही थी, इवन वो कोर्ट के तो द्वारा ही हो रहा था सब कुछ। व्हाई आई शुड नॉट हियर दिस मैटर, व्हाई आई शुड नॉट हियर। सर आपने हमारे लिए लिखा ना कि हमें सुनना नहीं चाहिए, क्यों अब सर नॉट गोइंग फॉर के लिए लगाया था मैंने सर, क्यों? अब सर इसलिए क्योंकि 4 बार हम यहाँ पे प्रेजेंट हुआ था, आपकी ओर से रिस्पॉन्स आपके दिया। आपको हम कंटेम्प्ट नोटिस दे रहे हैं। ये आप बोल नहीं सकते ये हमारे केस इस जज के सामने नहीं सुना जाए या उसके सामने नहीं सुना जाए, सर इट्स अ वो कंटेम्प्ट। ये तो प्रावधान तो है नॉट गोइंग फॉर का, वो केस स्टेटस में दिखता भी है नॉट गोइंग फॉर बाय एडवोकेट जो भी हो, वो तो प्रावधान है वो तो। नहीं, ऐसा कोई प्रावधान और नहीं। मैं तो तो सर जज आपके के पास गया भी था, आपके पास में आए भी सर नॉट गोइंग फॉर, मेरे को यही बताया गया था अगर कोई नॉट गोइंग फॉर का आपको मतलब ऑर्डर चाहिए तो जिस दिन आपके केस की तारीख होती है तो हाँ, फिर आप जज साहब के सामने नॉट गोइंग फॉर का रिक्वेस्ट कर किसने सकते सलाह हैं। दी आपको ये कि सही किसने सर सलाह दी कि एक ऐसी मेल भेजना चाहिए कि हमारे केस इनके सामने नहीं लगाया जाए? कहाँ सर वो मैंने तो नॉट गोइंग फॉर का एप्लीकेशन किया था, उसके बाद फिर मेल के ऊपर आया है मैंने एप्लीकेशन आपकी? वो लाइक। आइए नंबर। अच्छा, हाँ सर 26 अप्रैल की डेट में था सर वो, मैं तो प्रिंसिपल स्टाफ साहब से मिला भी था मैं तो। 26 अप्रैल। मैं सर मैं जोधपुर हाई कोर्ट भी गया था, वहां पे हेमंत जोशी सर जो प्रिंसिपल स्टाफ जुडिशियल है उनसे भी मेरी मुलाकात हुई पर्सनली। सर मैं सारे प्रोसेस को फॉलो किए, वो सारे के सारे जितनी भी गतिविधियां थी उसी को मैंने उल्लेख करा। अब उसके बाद भी आप ये अपना पेटिशनर एप्लीकेशन विड्रॉ कर रहे हैं, नहीं तो फिर देन आई विल हैव टू ड्रॉ कंटेम्प्ट। ये सर जो मेल आपने भेजा है हाँ सर इसमें आप हाई कोर्ट जज को सीजेएम लिख रहे हैं, व्हाट इज नहीं ऑल दिस? सीजीएम अभिषेक नागराज भी उसमें है और जो ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट के जजेस का नाम भी है सर, जो मैंने जुडिशियल करप्शन देखा है उसी को तो मैंने उल्लेख करा उसमें। हाँ ठीक है, आपको मतलब ये मेल आपका भेजा हुआ है, देन एक्सेप्ट हाँ नोटिस ऑफ कंटेम्प्ट। सर अगर इसमें नॉट गोइंग फॉर आ जाए तो ठीक है सर, अगर नॉट गोइंग फॉर यहाँ से जारी हो जाता है तो वो भी ठीक है क्यों? ऐसा नहीं सर। होता कि आप चाहेंगे कि हमारे केस इस जज के सामने लगे या उस जज के सामने, या आपकी इच्छा भी नहीं? जो हाई कोर्ट जहां लगाएगा वहां वहां बहस करनी पड़ेगी तो आपको। सर फिर नॉट गोइंग फॉर फिर अपन पटिशनर या फिर एडवोकेट का फिर उसमें क्यों क्लॉज लिखा आता है नॉट गोइंग फॉर बाय वो एडवोकेट। हमारा इंटरनल रीजन है, इट इज नथिंग टू डू विथ यू। सर आप देख वो लीजिए। हमारा है, वो जज अगर बोले कि ये केस हमको नहीं सुनना तो वो तो उसमें लिखा था कि नॉट गो बिफोर हाँ तो यू, कैनॉट क्लेम एज अ मैटर ऑफ राइट। सर मैंने कई बार देखा नॉट गोइंग फॉर तो एडवोकेट्स खुद इसलिए आपको अपना बोला गया था कि वकील लगाइए, क्योंकि आपको हाईकोर्ट का प्रोसीजर नहीं पता है, इसलिए आपको जज साहब ने सलाह दी थी कि आप वकील लगाइए। तो सर मैंने तो तो ये सारे सब जो अननेसरी जो मेल भेज रहे हैं ना आप, दिस इज कंटेम्पचुअस। सर कंटेम्पचुअस तो सर मैंने उससे सारी गतिविधियां लिखी है, इतना चलिए ठीक लंबा है, मैं जुडिशियल करप्शन एक्सेप्ट देख रहा हूं देन मैं एक्सेप्ट नोटिस इफ यू आर स्टिल प्रेसिंग योर ईमेल। तो। सर एक काम करिए आप फिर पेटिशन पे डिसमिस कर दीजिए, फिर वो मेल का जो भी होगा फिर उसके बाद फिर जैसी भी हो वो फिर खत्म हो जाएगा, फिर आपके ऊपर है सर। हम तो सर एक लीगल रिक्वायरमेंट के लिए आए सर, एक पेटिशनर मेरिट हूँ पे बहस करिए, ये सब मेल क्यों भेजते हैं? तो तो सर मैं मेरिट पे हमेशा बहस ही करता हूँ मैं तो सारे के सारे सर 250-300 पन्ने तो मैंने तो लगा के रखे हैं, 23 साइटेशन मैंने लगाए सर सुप्रीम कोर्ट के जज हाई कोर्ट के सारे, मैं तो मेरे मेरिट पास ये पहचान मैटर रहा हूँ। पहली बार आया है, इसके पहले मेरे यहां कभी नहीं लगाई। नहीं सर 4 बार लग चुका है, एक नहीं तो फरवरी फिर 5 अप्रैल 10 मई मेरे को तारीख तक याद है, सब चीज मैंने लिखा है सर। ऑर्डर शीट में देख के बता दीजिए, बता हाँ उसमें दिन को आपके दिखा लगा दीजिए ऑर्डर कितनी बार हमारे यहाँ लगा है। 4 बार लग चुका है सर आपके, और फिर मई के बाद समर वेकेशन के बाद पीसी गुप्ता सर के यहाँ लगा और फिर उसके बाद फिर वापस आपके पास आ गए, 4 बार आपके लग चुका है मेरे को तारीख भी याद आप है मेल अपनी प्रेस कर रहे हैं तो देन आई विल इशू नोटिस, अदरवाइज सर। एक मेरिट पे बहस करिए। मैं तो मेरिट पे बहस करना चाहता हूँ ना सर, तो वो पहले आप लाइक ना उसको मैं स्टेटमेंट दीजिए कि यू वांट टू विड्रॉ दैट। तो सर, अच्छा मेल को विड्रॉ करने का हाँ ठीक है सर, मैं स्टेटमेंट दे देता हूँ मैं मेल को विड्रॉ कर रहा हूँ। लिखना, सबमिट है कि सेंड अ मेल द व्हिच ही प्रेस फॉर विड्रॉवल एंड आर्ग्यू ऑन मेरिट। हाँ सर सर 2 MCRC है, 21745 आप 21747 लोग सब पार्टी रिप्रेजेंटेड हैं? यस, सर। सबसे पहले एमसीआर से 21745 सर, 2 करोड़ का लैंड नॉट फ्रॉड है, गुड। उसकी FIR दर्ज की गई थी माधवनगर थाने में और केवल धारा लगाई गई ओनली 420, जबकि 5 कूट रचित दस्तावेज के आधार पे क्राइम हुआ था। वो 5 कूट रचित दस्तावेज ये हैं, फर्जी नामांतरण आवेदन पत्र, फर्जी शपथ पत्र, फर्जी अनापत्ति शपथ पत्र, फर्जी क्षतिपूर्ति लेख और नकली वसीयतनामा। तो इन 5 कूट रचित दस्तावेज के आधार पर भी 467, 468, 471 की धारा नहीं लगाई गई, और फिर 2 करोड़ की सर फ्रॉड पर ट्रायल कोर्ट से इमीडिएटली बेल भी दे दी गई हमने, जबकि बेल पे आपत्ति दर्ज की थी। फिर हम ट्रायल कोर्ट फिर सेशन कोर्ट वहां पे हमने फिर बेल कैंसिलेशन और साथ में फिर धारा बढ़ाना और महिला को भी सह आरोपी बनाना, 2 करोड़ के फ्रॉड में महिला भी उसमें समान रूप से भागीदार है, महिला तक को आरोपी नहीं बनाएंगे। तो सर इसी रिक्वायरमेंट के साथ हमने ये MCRC 482 के अंदर फाइल कर लिया।
तो सर 482 में सर ऑल्टरेशन ऑफ चार्जेस, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्जेस, रिमूवल एडिशन ऑफ चार्जेस अलॉन्ग विथ बेल क्लियरेंसेशन, वो सब परमिसिबल है। तो सर यही हमारी वैधानिक रिक्वायरमेंट है सर। ये कंप्लेंट कैसे किया, FIR? सर FIR है सर, डायरेक्ट हाँ, FIR FIR लॉन्च की पेज गई। पेज एक मिनट सर। ऑन 36/2023 दे फाइल्ड अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, उसके साथ चार्जशीट की कॉपी पेश की पेज 16 ऑफ दे। हमको डॉक्यूमेंट अप्लाई नहीं किया, हाँ, डॉक्यूमेंट हमको कोई अप्लाई नहीं किया, हमको केवल चार्जशीट विल आर्ग्यू फ्रॉम, केवल पिटीशन का नोटिस हुआ। चार्जशीट सर चार्जशीट के लिए सर रिकॉर्ड्स के लिए कॉलिंग हुआ था पिछले साल ही सत्यन कुमार सर के, सत्यन सिंह सर के समय, और मेरे सामने ही ये पुलिस थाने से रिकॉर्ड्स हाई कोर्ट में आए थे। फिर वो रिकॉर्ड्स मिस हो गए तो मैंने फिर दोबारा चार्जशीट को प्रस्तुत किया लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के साथ जून के महीने में, 30 जून को। डायरी आई है इसमें? यस सर। ठीक, सर 30 ये जून FIR क्राइम नंबर 526 की है। यस सर। यस सर। पढ़िए इसको, FIR पढ़िए। यस सर। पूरा पढ़ना हाँ पड़ेगा सब हाँ कंप्लीट। हाँ उसी से तो पता लगेगा आपकी शिकायत क्या है। सर मैं माना था ना तो सर फॉल्स एफिडेविट्स अगर वसीयत नामे, सर एक और चीज, एक लॉजिकल चीज मैं आपको बताना चाहूंगा सर। आज तक कभी भी इकलौते वारिस की स्थिति में, इकलौते वारिस के पक्ष में कभी वसीयत नामे की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो ये वसीयतनामा तो ऐसे ही कुटचित सिद्ध हो गया, हमको हस्ताक्षर की जरूरत ही नहीं। एक तरफ वो अपने आप को इकलौता सगाई बता रहे हैं फर्जी शपथ पत्र के माध्यम से, दूसरी तरफ वसीयतनामा ही बता दिया। ऐसा आज तक कभी हुआ ही नहीं कि इकलौते वारिस की स्थिति में, इकलौते वारिस के पक्ष में कभी वसीयतनामे की आवश्यकता पड़ी। अगर कोई माता पिता की इकलौती कोई संतान, सिविल सूट भी चल रहा है इसमें? तो नहीं सर, जो म्यूटेशन हुआ है, जो नाम इनका चढ़ा, उसके खिलाफ कोई अपील की है? नहीं नहीं सर, की। क्यों? नहीं सर, हमको बस किसी भी एक। वारिस ने नहीं की? किसी हाँ सर, भी वारिस जितने नाम आप ले रहे हैं, उनके परिवार के किसी भी सदस्य ने नहीं किया? केवल नहीं किया सर। आप ही को आपत्ति है बस? हाँ सर, उनको जानकारी भी नहीं थी, और जब तो मेरी हो गई जो, होगी जानकारी, इतना सब आपने हाँ तो वो पेपर सब में उनके साथ छपाया है मिले और हुए ना सर, अब सब इकट्ठे हो मिले गए। हुए। हाँ अच्छा सर, तभी तो मैंने अकेले ने FIR कराई है सर। अच्छा और बाकी पर एक ये बाकी और लोग कौन है? सुभाष, शैलेंद्र, योगेंद्र, सर, ये भी इनके भाई हैं, सगे भाई हैं। और इनको सर क्या मिला इसमें? अच्छा, इनको सर, अब मैं आपको बताऊं, ये इन्होंने ही मिल करके मेरे पे जानलेवा हमला किया ताकि इसके ऊपर FIR ना हो, ये सब मिले हुए इनके साथ ही। तभी तो जानलेवा हमला भी हो चुका है मेरे पर, इसी FIR को रोकने के लिए, आजीवन कारावास के FIR को रोकने के लिए जानलेवा हमला करने के कारण सर ये 307 क्लॉज 2 वाला मामला बन गया, डेथ पनिशमेंट वाला 307। तो सर ये वाला मैटर है सर, सब लोग मिल गए ना, तभी तो मेरे पे जानलेवा हमला भी हो चुका है। इसलिए सर दोनों हमने NCRC को कनेक्ट कर दिया, क्योंकि आवेदक भी एक है, अपराधी भी एक है, और थाना भी एक है। ठीक। तो सर हम बस ये तो ये चाहते जो हैं। टोडरमल, ये आपके चाचा जी थे, तो हाँ स्वर्गीय चाचा दोनों उनके का कोई बच्चे नहीं शादी नहीं की है, थी उन्होंने? तो नहीं नहीं जाऊंगी चाचा, ये शैलेंद्र आपका भाई है? नहीं उनका भाई है, इनका मृतक मृतक जो क्या चाचा? चाचा है इनके उनके चाचा, भाई चाचा है, इनका लड़का, इनके वो भी आपके चाचा। चाचा ही हुए हाँ मतलब? वही मेरे चाचा ही हुए, ये भी टोडरमल के भाई के लड़के हैं, हाँ राजेंद्र के लड़के। हाँ समझ गया। ठीक है, वो भाई है इनके, 64 साल के। तो सर 4 कागज के आधार पे इनके पांच टोटल बन के कुल कितने भाई हैं? भाई है सर, और पांचों जीवित एक ही घर में रहते हैं सर। अच्छा, तो इन्होंने विल की कॉपी कहाँ विल की कॉपी लगी है सर, लगाई आपने? अच्छा, ये चार्जशीट में लगी है सर, बता रहा हूँ पेज नंबर 56 नंबर पेज है सर। सर वसीयतनामा नकली होने के नाते मैंने कुल मिला के 19 कारणों वाला भी एक दस्तावेज संलग्न किया है सर, ये रजिस्टर्ड है, नोटराइज नोटराइज है नोटराइज सर। नोटराइज है। और बोथ द सर विटनेसेस एंड द नोटरी दे हैव बीन एग्जामिन्ड, बोथ द विटनेसेस टू द ट्रायल विटनेस क्या क्या स्टेज है? ट्रायल क्या क्या स्टेज है सर, अभी? अभी तो चार्ज भी नहीं लगे। सर चार्ज के लिए हमने एप्लीकेशन दिया था ट्रायल कोर्ट में, तो वहां भी निरस्त हो गया था। फिर हम सेशन कोर्ट में गए थे बेल ये कैंसिलेशन और चार्ज तो चार्ज, लग गए होंगे ना? नहीं लगे सर हमने एप्लीकेशन दी थी पर वो वहां पे उसको स्वीकार नहीं किया, निरस्त हो गया। फिर हम सेशन कोर्ट में गए अगेंस्ट सेम, क्या
हमको चार्ज भी लगाना है। इम्प्लॉय ऑर्डर का पेज नंबर इंटरनल पेज नंबर 15 इंटरनल पेज नंबर 4 फर्स्ट पैराग्राफ देखो। हाँ, ये तो अभी इसमें लिखा आरोप तर्क हेतु, तो अभी आरोप लगेगा सर? पर वहां पे हमने एप्लीकेशन दे दी थी, उसको भी हमने लगा के रखा है ना सर। इसलिए कोर्ट आपको कह रहा था कि आप वकील लगाइए, आपको प्रोसीजर ही नहीं समझ में आता कि क्या होता कोर्ट। आपने एलएलबी किए सर 4822 में इनहेरेंट पावर्स ऑफ सिक्योरिंग द एंड ऑफ जस्टिस में किसी स्टेट का काम है वो हाईकोर्ट करे यहाँ चार्ज लगाने का। सर 482 में तो प्रावधान है सर इनहेरेंट पावर्स ऑफ और सिक्योरिंग द एंड ऑफ जस्टिस, और सर मेरे पास सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है जिसमें 482 में ऑल्टरेशन ऑफ चार्जेस एज वेल एज कैंसिलेशन ऑफ। पहले चार्ज लगाने तो दीजिए आप, ये सब बहस पहले वहां करिए। सर यहाँ पे सर ऑलरेडी है मेरे पास, ये वेस्टेड इनफ टाइम ऑफ नहीं सर। सर ऑलरेडी मेरा टाइम वेस्ट हो गया सर 2 साल। सर मेरा टाइम वेस्ट हो गया सर। हु इज रिस्पॉन्सिबल सर? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये है। कॉल्ड यू? ना ना सर, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये है कि ब्रीफ फैक्ट्स फैक्चुअल मैट्रिक्स और मेरिट्स के को कंसिडर किए बिना ऑर्डर अपन ना जारी करे तो ठीक है सर। ये है मेरे पास, मैं आपको देना चाहता हूँ। दे दीजिए लाइक पेज नंबर 2 तो पैरा नंबर 10 तो सर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ही है तो फैक्चुअल मैट्रिक्स ब्रीफ फैक्ट्स और मेरिट्स को तो कंसिडर करना पड़ेगा सर, जो भी केस जिस भी कोर्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और कुछ कहना सर? ये और साथ में कैंसिलेशन ऑफ बेल और महिला को भी आरोपी बनाना, और सर अगर वापस वहां जाएंगे तो फिर वो मेरे को ट्रायल कोर्ट के जज ने ये बोला था क्योंकि आपका मामला सेशन कोर्ट तक से निरस्त हो चुका है तो आप हमारे पास नहीं आ सकते, आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। अब वहां पे हमें जा ही नहीं सकता, वो हमेशा के लिए डोर्स क्लोज हो चुके हैं वहां पे फॉरएवर, इसलिए फिर हम हाई कोर्ट 482 में। चलिए क्या कहना भाई? पहली बात तो मैं उसमें मेडिकल रिपोर्ट में साफ लिखा आ रहा है हार्ड ब्लंट एंड हार्ड वेपन जो कि डेडली है, और सेशन कोर्ट ने ब्लंट एंड हार्ड वेपन को पूरा मेडिकल एविडेंस को पूरा दरकिनार कर दिया और अपने मन से हॉलो पाइप, मतलब जैसा लगता है जब मेरे को प्लास्टिक के पाइप से मारा गया जबकि फ्रैक्चर आ चुका था मेरे को। अब प्लास्टिक के मटेरियल से कोई फ्रैक्चर थोड़ी आता है, तो सर वहां पे पूरा मेरिट्स को मेडिकल एविडेंस तक को पूरा टोटली इग्नोर किया गया, और मेडिकल एविडेंस ब्लंट एंड हार्ड वेपन या जो उसमें उल्लेख है उसी के आधार पर ये अभियोजन ने 2 बार ट्रायल कोर्ट सेशन कोर्ट में धारा बढ़ाने का आवेदन दिया। टोटली सर ऑन द मैरिट्स ओनली, सर पे लोहे के डंडे से वार किया गया, मैं अपना हाथ बीच में लिया, हाथ फ्रैक्चर हो गया, अगर हाथ नहीं लाता तो सर फ्रैक्चर हो जाता तो मैं वहीं ऑन द स्पॉट में खत्म हो जाता। तो सर हमने एसपी ऑफिस में भी दिया 3 साल की धारा बढ़ाने के लिए, वहां से भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। और सर इसके सपोर्ट में मैंने 23 जजमेंट्स लैंडमार्क जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट के वो सब मैंने अटैच किया। और सर मेरे जैसे मामले में सन 2019 में जब जस्टिस वीरेंद्र सिंह सर थे उन्होंने 3 साल की धारा बढ़ा दी थी, सेम मामला मेरा भी है। तो सर मैं भी चाहता हूँ कि जब इंदौर हाईकोर्ट में वीरेंद्र सिंह सर के द्वारा सेम मेरे मामले 3 साल की धारा बढ़ाई गई थी तो आज वही 3 साल धारा मेरे मैटर में बढ़ जाए और ये 3 साल क्लॉज 2 का मामला बन गया डेथ पनिशमेंट, क्योंकि आजीवन कारावास की जो लैंड फ्रॉड की FIR है उसको रोकने के लिए मेरे पे जानलेवा हमला हुआ। यस, क्या कहना चाहेंगे सर? लॉर्डशिप, आपकी FIR है आपके पास? हाँ ये है ना सर। अरे जरूर, उसमें क्या आपके आरोप है? कहना कि भविष्य में वो जान से खत्म कर रही है, उस समय जान से मारने की नियत से नहीं मारा आपने? सर जान से मारने की तभी तो मेरा वाइटल ऑर्गन पे तो मारा, हेड वाइटल पर नहीं। आपने FIR सर वो मैंने पुलिस को बोला भी था कि जान से मारने की मंशा, तो उन्होंने नहीं लिखा, और ये आवश्यक नहीं है कि हर बार FIR में पुलिस के द्वारा ये उसका उल्लेख किया जाए। घटना से लॉजिकली प्रूव हो रहा है सर पे वार किया था, और सर सबसे वाइटल ऑर्गन होता है पूरे बॉडी का, और मैंने उसको अपने हाथ से रोक लिया, और अगर मेरे हाथ पे नहीं आता तो मैं सर पे चोट हो जाती और आज आपके सामने मैं खड़ा भी नहीं होता। सर सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट से सिंगल ब्लो मर्डर, सिंगल ब्लो में तो मर जाता है इंसान, लाखों लोग तो मर चुके हैं, एक हथौड़ा मार रहा मर गया। अब ये कौन सा कि अपन गिनती करें 1 2 3 4 अरे अभी तक मरा नहीं है सर, ये तो बिल्कुल इलॉजिकल है, और इलॉजिकली सर, और सबसे बड़ी बात सर मेडिकल एविडेंस को कोई भी दरकिनार कैसे कर सकते जबकि हार्ड एंड ब्लंट वेपन का उल्लेख हुआ, ब्लंट एंड हार्ड इसे डेडली वेपन, तो डेडली वेपन से मेरे पे वार हुआ वो भी पुलिस के सामने। इतना साहस है सर कि पुलिस के सामने मेरे पे जानलेवा हमला हुआ है। पुलिस कांस्टेबल के बयान? हाँ कांस्टेबल के बयान भी, मतलब सब चार्जशीट। क्या नाम है कांस्टेबल का? राजेंद्र नाम है कांस्टेबल राजेंद्र, सरनेम याद। इसकी डायरी दे देना, इसकी डायरी दे देना। ठीक है, विल कंसीडर नेक्स्ट। थैंक यू। Thank you.